नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं धान में खरपतवार के लिए जो स्प्रे किया हुआ था, यानी खरपतवार नष्ट करने के लिए जो दवा डाली हुई थी उसका हम रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल ही खेत पीलापन, जो खरपतवार हैं खेत में सारे पीलेपन दे दिए, यानी कि जलने लगे हैं, सब में पीलापन आ गया, चाहे वो सकरी पत्ती वाला हो या चौड़ी पत्ती वाला हो। आप देख सकते हैं जैसे कि जे चौड़ी पत्ती वाले हैं, देखें बिल्कुल पीलापन देखिए और नष्ट होने लगे हैं। तो किसान भाइयों, हमें करना क्या होता है कि जब हम धान में चारे की दवा डाल देते हैं उसके 24 घंटे बाद हमें खेत में पानी छोड़ देना होता है, जिससे कि आप देखेंगे कंडीशन, हमने ऐसे 24 घंटे हुए हैं तो इसमें क्या कि पीलापन दे दिया, जो खरपतवार है आप देखेंगे सभी ने पीलापन दे दिया। तो जब हम इसमें पानी छोड़ देंगे तो यह देखेंगे, आप देख सकते हैं यह गलने लगा है, जैसे ही पानी की मात्रा इसमें आएगी यह पूरा गल के यानी कि सड़ जाएगा, फिर आपको सिर्फ धान ही धान दिखाई देगी और जो भी खरपतवार है टोटली इसी में ही गल जाएंगे। तो किसान भाइयों, जो हमने दवा डाली हुई थी तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ बीच बीच में कहीं छूटा हुआ है तो वो दिख जाता है, तो हम वही स्प्रे करने आए हुए हैं। तो हमने जो दवा डाली हुई थी इसमें आप देखेंगे 2,4-D, जो हमने दवा डाली हुई थी 2,4-D यानी कि चौड़ी पत्ती के लिए, जो कि हेड 44 आप देख सकते हैं, 2,4-D आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, और सकरी पत्ती के लिए हमने जो दवा डाली हुई थी यह है ग्रीन लेवल, यानी कि सकरी पत्ती के लिए ग्रीन लेवल सकरी पत्ती के लिए होता है और हेड 44 चौड़ी पत्ती के लिए रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।